हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं कई दिनों से विजिट पे था, देख रहा था कि ग्रीन हाउस में जो आपका खीरा लगा हुआ है, काफ़ी सारी समस्याएं उसमें आ रही है। तो आज का पूरा वीडियो हमारा कॉमन समस्याएं जो आपको आ रही है उसी के ऊपर है। हम बीमारियों पे, कीड़ों पे, उसी पे आज की हमारी पूरी चर्चा रहेगी। तो अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, और पूरा तकनीकी चैनल है इसलिए हर चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके एक वीडियो मैंने कई दिन हो गए डाले हुए, 6 मिनट 32 सेकंड का है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसको काफ़ी कम लोगों ने देखा है, जबकि वो वीडियो मेरे हिसाब से ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ये मैं शुरुआत करूँ, उससे पहले इसके बारे में आप ज़रूर, जो ये वीडियो डला हुआ है इसको आप अच्छे से देखें, क्योंकि अभी भी मेरे पास में अप टू द मार्क फोटोग्राफ्स नहीं आ रहे हैं। और जब तक सही फोटोग्राफ्स नहीं आएंगे, सही से पता नहीं लगेगा, और सही कारण पता नहीं लगेगा तो सही से इलाज नहीं होगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो फोटो खींचते समय हमको कैसे फोटो खींचनी चाहिए, ये आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, अब हम चर्चा करते हैं कि मेनली तो इसमें फंगल डिजीज ही आती है, बैक्टीरियल का इतना ज़्यादा नहीं है। कौन कौन सी फंगल डिजीज आती है आप देखिए, एंथ्रेक्नोज, जिसको ग्लोमेरिला जो फंगस है उसके कारण, ब्लैक रोट, ब्लैक रूट रोट, काइनोफोरा रोट, क्राउन रूट रोट, और क्राउन रूट रोट ये सबसे ज़्यादा आ रही है, जिसके में डंपिंग ऑफ है, जिसमें पीथियम, राइजोक्टोनिया, इस तरह के बहुत सारे जो उसमें हैं जो फंगस है वो उसके अंदर मिली हुई है। फ्यूजेरियम, डाउनी मिल्ड्यू की काफ़ी समस्या आ रही है, फ्यूजेरियम विल्ट भी काफ़ी अभी देखने को मिल रही है, ग्रे मोल्ड इस समय पे आपके काफ़ी आ रही है जो बोट्राइटिस के कारण, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर 18 तरह की हैं, आप देखिए गमी स्टेम ब्लाइट खूब सारी इस समय पे आपके आई हुई है स्टेम के अंदर, लीफ ब्लाइट्स खूब भरे हुए हैं आपके फार्म इस समय पे, लीफ रोट जो है वो आ रहा है, पिंक मोल्ड रोट जिसको कहते हैं, पेनिसिलियम स्टेम रोट ये भी आपके इस समय पे आई हुई है, पेनिसिलियम के बाद में पाउडरी मिल्ड्यू ये इसका अभी समय नहीं है, स्कैब या जिसको गमोसिस कहते हैं ये भी आपके आया हुआ है, वर्टिसिलियम विल्ट ये भी आपके आई हुई है, वाइट मोल्ड ये भी इस समय पे देखने को मिल रही है, चारकोल रोट कहते हैं ये भी आई हुई है, और 18वें नंबर पे है बैक्टीरिया। इतने में फंगल में एक बैक्टीरियल विल्ट वो भी इस समय पे कुछ फार्म के अंदर देखी गई है। तो मेरा ये आप देखें कि कितने सारे दुश्मन हमारे भरे हुए हैं फंगल डिजीज के, इन सबको हम कैसे काबू में करेंगे, कैसे इनके सिम्टम आते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे तना गलन, जड़ गलन, ये ऐसी समस्या है जो आपका सीड उगते ही शुरुआत हो जाती है इसकी, जैसा आप देख रहे हैं, और जैसे जैसे हर स्टेप पे इसको आप देखिए इसके अंदर, और नेक्स्ट स्टेज ये है, यहाँ पे आप देखिए ये जो नीचे के फोटो हैं 1 2 3 4 सारे भरे हुए हैं एकदम अच्छे से। ये जो फंगस है इसका आपको जो मॉनिटरिंग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रॉप की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। दो फोटो मैंने ऊपर हेल्दी जो जड़े हैं, हेल्दी जो पार्ट है उसकी लगाई है, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर वाइट जड़ें निकली हुई है इसके अंदर। इस फोटो के अंदर आप देख रहे हैं कि आपका जो स्टेम, जो क्राउन रीजन या क्राउन पार्ट जिसको हम कहते हैं, ये एकदम ग्रीन कलर का दिख रहा है, और इसके ऊपर हल्की हल्की आपको जड़ें भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये आपका स्वस्थ तना है एकदम, या क्राउन रीजन आपका एकदम स्वस्थ है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे हाई रिजोल्यूशन पे इस फोटो को, सॉरी वीडियो को, तो आपको यहाँ पे इसमें हल्की हल्की व्हाइट व्हाइट इसमें इसकी जड़ें भी दिखाई देगी। अभी गलती हमारे से कहाँ पे हो रही है, ये जो लेफ्ट वाली फोटो आप इसको देखो, खूब सारी काई यहाँ पे पैदा हो रही है, ड्रिप लाइन का प्लेसमेंट बिल्कुल इसके एकदम तने के ड्रिप पड़ी हुई है, और उसके साथ में यहाँ पे आपको अगर आप हाई रिजोल्यूशन पे वीडियो देखेंगे तो एक छोटा सा जो होल है जिसमें से ड्रिपर का जो होल है वो तो एकदम उस तने के बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो जड़ या तना गलन है, स्टेम रोट है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें आपको सावधानी रखनी है, इनकी जितनी सावधानी रखोगे ये बीमारी नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इस पे आप यहाँ देख रहे होंगे एक भी तने के ऊपर आपको जड़ें व्हाइट व्हाइट जो है ना यहाँ पे जो ऊपर दिख रही है ऐसी नहीं दिख रही है,
इसका मतलब जब आपके पौधों में ऐसी जड़ें जब तक दिखाई दे, आप समझो कि आपका जो क्राउन रीजन है वो हेल्दी है, और जैसे ही ये जड़ें गायब होने लग जाए या ये सूखने लग जाए, उसी समय पे हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि ये जो हमारे स्टेम रोट जो ये है, गमी स्टेम ब्लाइट, ये आ सकती है। तो आपको उसी समय पे एक्शन लेना है। हम कब जगते हैं? जब एकदम पौधा हमारा खत्म हो जाता है, जब जगते हैं पता लगता है कि हमारे 5% पौधों का नुकसान हो गया। इसीलिए कहता हूँ कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। समय पे आप इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं काई पैदा हो रही है, इस काई को भी हमारे को नहीं रखना है। जैसा मेरा पिछले वीडियो मैंने बताया था, जो कैप्सिकम वाला है उसमें इसका भी ट्रीटमेंट बताया हुआ है, वहाँ से आप वो भी ट्रीटमेंट इसमें देख सकते हैं। अब हमको ये बीमारी और क्यों आती है? शुरुआत में भी आती है, जब पौधा बड़ा हो जाता है तब क्यों आती है? आप देख रहे होंगे इसमें दो फोटो आपको दिख रहे हैं। एक माइक्रो क्लाइमेट होता है जड़ों के पास में, अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी जड़ों के पास या क्राउन रीजन के पास बढ़ेगी तो इस बीमारी के आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं काटने हैं, सिर्फ आधा फीट 1 फीट तक के पत्ते काट के। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर, इधर एक ये फोटो है, एक ये फोटो है। अभी ये भी अभी हेल्दी है ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कभी भी वो जो है तना गलन आ सकता है, और इसमें आएगा तो हमको पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पे आप इसकी मॉनिटरिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा जो पौधा है लगभग 8-9 फीट हाइट का हो जाए, तो उसकी नीचे से हमको 4-5 पत्तियाँ हम उसकी कट कर सकते हैं, ताकि जो नीचे उसमें हवा का एरिएशन जो है वो बढ़िया हो जाए। तो एक काम तो आपको ये करना है। अब इसके कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से ये आता है? ब्लैक रूट रोट इसका कारण है, ब्लैक रोट कारण है, चारकोल रोट है, और ये फोमोप्सिस जो है स्पीसीज, इसके कारण, मैक्रोफोमिना के कारण, वर्टिसिलियम के कारण, पेनिसिलियम के कारण, ये इतने सारे जो हैं ये फंगल अटैक इस पे होते हैं। और इसी तरह से आप ये जो राइट में फोटो देख रहे हैं कि अगर आप मिट्टी जो लगा रहे हैं, तो ये मिट्टी लगाने से पहले हमको ड्रेंचिंग जरूर करनी है, इसका हमको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए क्या क्या इलाज है, ये मेरी लिस्ट पहले भी शेयर की हुई है, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, और इस बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ एक एक फंजीसाइड को किस तरह से इस्तेमाल करना है। H2O2 सिल्वर कंटेंट वाला आता है, सबसे बेस्ट है। इसकी दो तीन, अगर आपको ज़्यादा समस्या आ रही है, आप डेली भी इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं 2 या 2.5 ml पर लीटर वाटर से, ये हमको ध्यान में रखना है। ट्यूबिकोनाजोल प्लस कैप्टान आता है, बहुत बढ़िया फंजीसाइड है, इससे आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। क्लोपिरोन प्लस ट्यूबिकोनाजोल आता है, ये अगर आपको हल्की सी निमेटोड की समस्या है तो उसमें भी ये कारगर है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कैप्टान प्लस एक्जाकोनाजोल आता है, कार्बेंडाजिम मेनकोजेब आता है। आप रेगुलर जो ये अभी मौसम है, जब बरसात का मौसम हो, जब आपको लगे कि ह्यूमिडिटी 80% से ऊपर जा रही है वातावरण में, तो हमको ड्रेंचिंग हर हफ्ते 10 दिन में करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को हमको अच्छे से समझना है। इसके अलावा एजोक्सिस्ट्रोबिन अकेला आता है, बहुत बढ़िया फंजीसाइड है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एजोक्सिस्ट्रोबिन ट्यूबिकोनाजोल आता है, एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनकोनाजोल आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोसेटाइल जो एलीट के नाम से आता है बायर का, वो सबसे बेस्ट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थियोफेनेट मिथाइल है, कैप्टान है, कोपरोक्सी क्लोराइड है। तो 13 फंजीसाइड के मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, इनमें से आप बदल बदल के कोई सा भी फंजीसाइड हफ्ते से 10 दिन से मौसम के हिसाब से आपको जरूर इस्तेमाल करना है। और उसके साथ में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मॉनिटरिंग, जैसे मैंने कहा, जैसे ही आपको लगे कि जड़ों के पास जो क्राउन रीजन में जो हल्की हल्की जड़ें हैं वो दिखाई देना बंद हो गई, मतलब वहाँ पे कुछ न कुछ समस्या आनी शुरू हो गई, तो इस चीज़ का हमको ध्यान में रखना है। और ये जैसा मैंने कहा, मिट्टी लगाएं, मिट्टी लगानी अच्छी है, लेकिन मिट्टी लगाने से पहले ड्रेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप इनमें से किसी भी का भी एक का इस्तेमाल करके ड्रेंचिंग कर सकते हैं। आई थिंक इसमें मैंने वो तो लिखा ही नहीं है, मेटालेक्सिल मेनकोजेब, जिसको रिडोमिल गोल्ड के नाम से जो आ रहा है, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो 14 तरह के ऑप्शन आपके पास में हो गए हैं। अब जो फ्रूट रोटिंग की काफ़ी समस्याएं आ रही है, आप देख रहे हैं इस तरह से फ्रूट रोटिंग, अभी मैं जब विजिट पे था मैंने देखा,
और कितना सारा इस पे आप देखेंगे ये फंगस है जो है वे पैदा हो जाती है, जो आपके फल सूखते हैं उसके ऊपर, और उसी सूखे हुए फल से वो पत्तियों पे और इसके साथ साथ में आपके पौधे पे अटैक करती है। तो इसके क्या क्या कारण है? अल्टरनेरिया फंगस होती है, वो हो सकती है, बोट्राइटिस है, काइनोफोरा है, फ्यूजेरियम है, ये माइरोथीसियम है, पेनिसिलियम है, फोमोप्सिस है, फाइटोप्थोरा है, ये लीफ पे भी आती है, आपके फ्रूट पे भी आती है। इसलिए मैंने सब के नाम लिख दिए क्योंकि आपको पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। ये देखिए आप, अभी पीछे आपने ब्लैक फंगस देखी, ये देखिए इस तरह की, और इसके अंदर हमको ये व्हाइट दिख रही है, देखिए व्हाइट वाली फंगस है ये, जनरली जैसे फ्यूजेरियम टाइप की जो फंगस है वो होती है। इवन आपका जो हेल्दी फ्रूट जो तुड़ाई वाला हो चुका है उसके आगे फूल में भी फंगस पैदा हो गई। एंड इसका जो मेन कारण है वो है हवा में नमी, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी या RH हम कहते हैं, RH ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसका कारण है। यहाँ पे भी आप देखिए, तो ये यहीं से ये पत्तों के अंदर आएगी। अभी आगे आपको पत्तों के अंदर भी दिखाता हूँ, अभी फ्रूट में देख लीजिए, ये देख लीजिए, अगर 80% से ऊपर ह्यूमिडिटी जाती है तो आप देख रहे हैं पूरा फ्रूट, पूरे फ्रूट कितना भयंकर इसके अंदर, ये देखिए आप, छोटे फ्रूट में भी और बड़े फ्रूट जो इवन 100-100 ग्राम के फ्रूट हैं उसके अंदर भी ये आ गई। तो अगर आपकी ह्यूमिडिटी 80% से ज़्यादा, 90 या 90 से प्लस हो गई तो ये फंगस निश्चित रूप से आएगी, इससे हमको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर आप वेंटिलेशन करें। नेट हाउस है तो वेंटिलेशन रहता है, लेकिन अगर आपका पॉली हाउस है तो साइड के पर्दे खोल के रखें, अगर आपने अंदर एयर सर्कुलेटर लगा रखे हैं तो एयर सर्कुलेटर फैन का इस्तेमाल करें, और हमारी जो ह्यूमिडिटी और अंदर जो हवा है उसको हमको मेंटेन करना है। और ये जो पीछे देखे हैं उसी के रिलेशन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, एंथ्रेक्नोज जो फंगस है, ये आप देखो ये इस तरह से आ रही है। फोटो जैसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, पत्ती के बैक साइड का है, पत्ती के आगे साइड का है, तो इसको देख के क्लियर कट हमको पता लगता है कि ये अल्टरनेरिया या जो हमारा सर्कोस्पोरा है उसका ये फंगस का ये है। तो उसी के हिसाब से फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये देखिए इस तरह से खूब समस्या आ रही है ये अभी। एंड इसका मेन रीजन आपकी हवा में नमी ज़्यादा होना और आपका प्रॉपर जो वेंटिलेशन है वो नहीं होना, ये इसके कारण है। इनको आप मेंटेन करो, बाकी आगे मैं इसकी फंजीसाइड की लिस्ट तो आपसे शेयर करूंगा ही। ये देखिए, ये एक गटेशन भी होता है, बिंदु स्राव, आज मैंने उसकी हिंदी भी देखी, बिंदु स्राव, उसके कारण आपके पत्तों के किनारों पे पानी बूंद करके जब बूंद बूंद जमा होता है, और वहीं से उसी पानी से फिर आगे जब आपका पत्ती बड़ी होती है उसके अंदर फंगस पैदा हो जाती है। आप देखिए ये पूरा जो पॉली हाउस है ये खत्म हो गया एक तरह से। तो ये इस तरह की ये कारण इसका क्या है, हमने इसको टाइम पे संभाला नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं किया, हवा में नमी ज़्यादा हो गई, तो इन सब चीज़ों को हमको हमारे कंट्रोल में रखना है, मॉनिटरिंग बराबर से टाइम टू टाइम करनी है। जैसे ही हमको लगे कि हमारी जो समस्या है इसमें आना चालू हुई है, हमको उसका जो है प्रॉपर जो फंजीसाइड है उसका इस्तेमाल करना है। अब इसमें मैंने आपको 10 फंजीसाइड की लिस्ट दी है कॉमन, ये आपको सब तरह के फ्रूट रोट जो आपने पीछे देखा, लीफ स्पॉट, सबके लिए कॉमन है। सबसे पहले ऑर्गेनिक से शुरुआत की है, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, सबसे जैविक फंजीसाइड, सबसे बेस्ट फंजीसाइड, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 नंबर पे जो है आपको इस समय पे समस्या आ रही है थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई की, वर्टिसिलियम और बेवेरिया दोनों के लिए सबसे बेस्ट है, सकिंग पेस्ट के लिए आप इनका, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक करेंगे तो आपको उसके साथ में इंसेक्टिसाइड भी ऑर्गेनिक आप यूज कर सकते हैं, तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पायरेक्लोस्ट्रोबिन प्लस मेट्रियाम जो कॉम्बिनेशन में आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल प्लस ट्राई फ्लोक्सीस्ट्रोबिन आता है, मैंने यहाँ पे ट्रेड नेम नहीं दिए हैं क्योंकि हम किसी कंपनी का मैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ट्रेड नेम नहीं दिए, आपको अलग अलग नामों से ही मार्केट में मिल जाएगी। इतना जरूर कहूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी का फंजीसाइड होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो पता लग रहा है हमने स्प्रे किया और रिजल्ट नहीं आया, फिर मेरे जैसे लोगों पे शक होना जाता है कि डॉक्टर साहब ने कोई गलत दवाई बता दी। इसलिए अच्छी कंपनी का ब्रांडेड का प्रोडक्ट लें।
सारे के सारे बहुत बढ़िया, जो इसमें 10 की 10 लिस्ट है टॉप क्वालिटी के जो फंजीसाइड हैं उसकी मैंने बनाई है। और मैं ये कहूँगा कि इनमें से आप 2, 3 या 4 को एज ए फर्स्ट एड बॉक्स, जैसे हमारे घर में हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, आप 3, 4 इसमें से हमेशा अपने पोली हाउस नेट हाउस के अंदर रखें। सब टॉप क्वालिटी के इसमें हैं, तो आप कोई से भी इसमें से 10 अलर्ट कर लें और उनको 10 में से 3-4 और उनको आप हमेशा रखें और बदल बदल के करते रहेंगे, तो ये वाली जो समस्या है आपने देखी है, इस समस्या से आपको निदान इसमें मिल जाएगा। अब हम आते हैं रूट नोट जो है, जिसको हम वो भी कहते हैं निमेटोड भी कहते हैं, जड़ गांठ भी कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज्यादा आ रहा है, मतलब ये आपकी बेड के ऊपर आ रहा है, बेड को खोद के देखने की भी जरूरत नहीं है कि उनकी जड़ों में मतलब निमेटोड है या नहीं। तो ऐसी कंडीशन होने पे निमेटोड का मैं कहूँगा कि कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कहता हूँ पॉली हाउस हो चाहे नेट हाउस हो, हर 5 दिन में पीठ वाली टंकी में खाली पानी डाल के आपको अपनी जड़ों को चेक करना है। और ये इसीलिए इतना बढ़ गया क्योंकि हमने जड़ें चेक टाइम से नहीं की। अगर इतना बढ़ जाएगा उसका कोई इलाज नहीं है, तो आप इस चीज को कृपया समझिए। और अगर आपको लगता है कि आपके खेत में निमेटोड आता है तो उसके लिए खूब सारे ट्रीटमेंट हैं, वो हमको समय समय पे उसमें आप करते रहें। पेसिलोमाइसिस फंगस है जो है, बायोनिमेटिसाइड है एक तरह से, पेसिलोमाइसिस का प्रयोग करें, उसके साथ में सुडोमोनास ट्राइकोडर्मा। अगर आप इन 3 का रेगुलर कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके खेत से निमेटोड हमेशा के लिए चला जाएगा। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। हालांकि निमेटोड पे मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। एक ये जो समस्या है स्पेशल माइट, ये कौन सी स्पीसीज है मैं नहीं जानता, लेकिन ये माइट है इतना मैं श्योर हूँ। इसको हमने काफ़ी माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखा है और फोटो में वो आ नहीं पाया, इसलिए मैं उसका फोटो यहाँ पे लगा नहीं पाया। और ये थोड़ा सा जो ये आपका जुलाई एंड से लेके ये जो रेनी सीजन है, इसी के अंदर ये ज़्यादा आती है। इसके बाद में ये अभी जैसे ही सर्दियाँ आएगी उसके अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं इसमें पत्तियों को इतना ये ज़्यादा मात्रा में आती है कि पत्तियाँ ही छोटी हो जाती है और उस पे जो फ्रूट है वो भी बिल्कुल छोटे छोटे रह जाते हैं, और आपको बिल्कुल चिकने चिकने फ्रूट उसके दिखाई देंगे। और जब आप इसको मोबाइल स्क्रीन पे झाड़ के देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही बारीक गोल गोल आपको बिल्कुल वाइट से कलर की या ट्रांसपेरेंट आपको उसके अंदर माइट जो है वो चलती हुई दिखाई देगी। तो ये एक तरह की माइट है, इससे किनारे देखिए, अगर जब हैवी अटैक होता है तो ये किनारे हैं ये भी इससे पीले हो जाते हैं। और खास बात ये है कि ये 10-15 पौधों पे ही आती है, एक दो पौधे से शुरुआत होती है, फिर आपको पूरे पोली हाउस में एक साथ नहीं मिलेगी, बीच बीच में एक पौधे पे आ गई, फिर 10-20 पौधे छोड़ के फिर आ गई, इस तरह से ही आती है। तो इसलिए इसके लिए भी मैं आपको माइटीसाइड की आज पूरी लिस्ट शेयर कर देता हूँ, जो सबसे टॉप क्लास के माइटीसाइड हैं। ये 12 माइटीसाइड की मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, इनमें से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली प्रोपरजाइड जो है ये इसमें आपको यूज नहीं करना है कुकर बिट्स के अंदर, इससे कई बार पत्तों के अंदर जो है स्कोर्चिंग आ जाती है। बाकी इसमें से आप जो 11 हैं ये कोई से भी आप जो है माइटीसाइड इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जो सबसे अच्छा रिजल्ट इसमें जो एबासिन है, एबामेक्टिन जो एबासिन के नाम से आ रही है, उसके अच्छे रिजल्ट है एबामेक्टिन के। इसके अलावा ये साइनोपायरीफेन करके 30 SC आया है, एक नया प्रोडक्ट आया है IIL का है ये, इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। बाकी आप कोई सा भी करेंगे इसमें सबके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई थ्रिप्स की दवाई कर रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर बीच बीच में आपको पौधों पे दिखाई दे रही है इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो 100% ये माइट है। मैं इसकी खोज में लगा हुआ हूँ, देखते हैं कि ये कौन सी माइट निकलती है, तो इसके ऊपर आगे फिर आपको और हम जानकारी के साथ में अपडेट करते रहेंगे। इस तरह के पौधे भी आपको कभी कभी आपके पोली हाउस में दिखाई देते हैं, ये सीड वेरिएशन होता है एल्बाइनो जिसको बोलते हैं। पत्ती के कुछ पत्तियों में या कुछ पत्ती के कुछ पार्ट में जो क्लोरोफिल बनाने वाले जो जीन होते हैं वो गायब हो जाते हैं, तो उस वजह से ये पौधा आपको ऐसा दिखाई देगा। ये कोई वायरस नहीं है,
कोई बीमारी नहीं है और ऐसे पौधे को उखाड़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं इस पौधे में आपको अच्छा फ्रूट भी दिखाई दे रहा है, तो अगर इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन हो तो हो सकता है फ्रूट नहीं आए, अदरवाइज ये आपको बीज का पैसा तो जरूर दे के जाएगा, इसलिए आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है और ये किसी भी तरह का वायरस नहीं है। रीप्लांटिंग रीसोविंग, मेरा पिछला वीडियो जो कुकुम्बर का था उसमें भी मैंने कहा था जब पौधा बड़ा हो जाए उसके बाद में आप इस तरह से रीप्लांटिंग नहीं करें, सर्किल में जैसे दिखाया हुआ है। इस पौधे की, बड़े वाले पौधे की छाया इस पे गिरेगी और इस पौधे से हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको रीप्लांटिंग या रीसोविंग करनी है तो आप जिस दिन, मैं कहूँगा आप, कुछ किसान भाई तो ऐसा कहते हैं कि साहब 2 दिन पहले लगाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, यानी आपको खेत में खीरा लगाने से 2 दिन पहले 200-300 सीड की जो ट्रे है वो आप ट्रे के अंदर लगा के छोड़ दें, ताकि आपका ये अनइवन, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरह का हमको प्रॉब्लम नहीं आए। गटेशन, अभी मैं पीछे बात ही कर रहा था, जो मेन जो रीजन है जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, आगे भी मैं दिखाऊंगा, ये भी जो पीछे आपने जो फंगस देखी उसका एक कारण है। गटेशन क्या होता है? बिंदु स्राव, जो पौधे की जो मेन सिराएं हैं वहां पे इस तरह का पानी की बूंदे आपको दिखाई देती है। और ये होता क्यों है? कभी कभी कुछ लोग इसको कहते हैं जी साहब पोटास की कमी हो गई, कुछ कहते हैं जी साहब साल्ट इसी बढ़ गई, वैसा कुछ नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गटेशन के कारण है। गटेशन होता क्यों है? अभी जैसा हम देख रहे हैं कि ये जो मौसम है, डे नाइट टेम्परेचर में जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तब गटेशन ज़्यादा होता है, यानी दिन के अंदर तो गर्मी रहती है और रात को एकदम से मौसम अच्छा या ठंडा हो जाता है। तो पौधा क्या करता है, नीचे से जो पानी ले रहा है, दिन के अंदर जो उसने पानी लिया, पोषक तत्व लिए, और रात को एकदम ठंड हो गई, तो उसमें जो ट्रांसपीरेशन है, वाष्पोत्सर्जन जिसको हम कहते हैं, वो तो बिल्कुल रुक जाता है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई, बढ़ी हुई है। तो ऐसे में पौधे को एक तरह से, जैसे हमें भी कभी कभी खाना नहीं पचता ना, हम उल्टी करते हैं, ऐसे पौधा भी एक तरह से ही उल्टी करता है, तो इसको गटेशन कहते हैं। और इस, ये जो पानी की बूंदे हैं ये प्योर पानी नहीं होता, वाष्पोत्सर्जन के अंदर जो जो पानी वाष्प बन के उड़ रहा है वो तो प्योर होता है एकदम, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या है, साल्ट्स जो उसने नीचे, आपने जो एनपीके खाद दे रखे हैं, मिनरल्स दे रखे हैं, वो सारे इसमें होते हैं। और इसी के कारण ये क्या है, ये धीरे धीरे यहाँ पे आपके किनारों पे जब ये ज्यादा आता रहता है तो ये जमा हो जाता है, और क्योंकि इसमें साल्ट्स हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो ये आपके पत्ते को धीरे धीरे ये किनारी को जला देता है। और जलाने के बाद कभी कभी, जैसा आप इसमें देख रहे हैं नीचे वाली फोटो में, ऐसे कभी कभी ये आगे फंगस डेवलप होने का कारण भी बनता है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। ये जब, जैसे जब फसल बड़ी हुई तो इसके अंदर ये गट्टेशन के कारण, ये इसकी किनारी से यहाँ पे, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा प्योर पानी नहीं है, तो उसमें साल्ट के ऊपर फंगस आके और धीरे धीरे ये फंगस पूरी इसमें डेवलप हो गई। तो अगर ये गट्टेशन की समस्या ज़्यादा आ रही है तो भी हमको कुछ जो फंजीसाइड के स्प्रे जो मैंने पीछे लिस्ट शेयर की है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीक स्टेम, ये भी मैं कहूँगा, अभी जब मैं घूमता हूँ काफी जगह समस्याएं आती है, और यही आपका जो फल लट्टू बनना, फूलों का सूखना, उसका एक कारण ये भी बनता है। तो इसके अंदर प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एरिएशन, प्रॉपर फर्टिगेशन आपका नहीं होगा, उसकी वजह से आपका जो तना, आप देख रहे हैं ना इसमें इंटरनोडल स्पेस, एक पत्ती से दूसरी पत्ती के बीच में जो स्पेस है वो काफी बढ़ रहा है, तो ये आपका सनलाइट का इश्यू है, आप उसको सुधारें। इसके अंदर थोड़ा सा नाइट्रोजनस खाद कम करके और इसके अंदर हमको जो पोटास और फास्फोरस है उनके कंटेंट को बढ़ाना है, ये हमको खास ध्यान रखना है। मेल फ्लावरिंग, ये भी अभी समस्या कम हो रही है, मई जून में काफी सारे फोटोग्राफ्स आपके आए, लेकिन इससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ हद तक ये, मैं कहूँगा 2-4-5% ये वैरायटी का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसके अंदर जो रीजन है वो आपका हाई टेम्परेचर का रहता है, क्योंकि ये जो एग्जोटिक सीड है, एक तरह से इम्पोर्टेड सीड रहते हैं सभी, तो इसके अंदर, और ये जो हम खीरा लगाते हैं बेसिकली ये ठंडे मौसम का खीरा है। आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पूरा उसमें डिफाइन भी किया है कि कितना टेम्परेचर, कितनी ह्यूमिडिटी,
डे नाइट टेम्परेचर कितना होता है तो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये समस्या आ सकती है, कभी कभी सीड में भी वेरिएशन आता है, ऐसा नहीं है, तो इसे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाई टेम्परेचर को लो कैसे करना है उसके भी वीडियो डले हुए हैं, वो आप देखें। थोड़ा सा इसमें ह्यूमिडिटी का भी रोल है, लो ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर पे ये समस्या आती है। अगर वो समस्या सही होगी तो आपके जो मेल फ्लावरिंग की जो समस्या है ये भी दूर हो जाएगी। व्हाइट फ्लाई, पत्ते का फोटो आता है साफ फंगस आ गई है, लेकिन व्हाइट फ्लाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, साफ पत्ते पे ऊपर फंगस आ रही है, ये फंगस वो फंगस नहीं है, खीरे की फंगस नहीं है, ये फंगस कहाँ से आई? आपकी व्हाइट फ्लाई ने जो आपके पौधे का रस चूस के मल मूत्र जो किया, उस मल मूत्र के ऊपर मिठास होती है उसके अंदर, और उस मिठास के ऊपर सेप्रोफिटिक फंगस। सेप्रोफिटिक फंगस किसको कहते हैं? ऐसी फंगस जो हमारे पौधों को लिए नुकसान वाली या पैरासिटिक नहीं है, जो मृत जीवों पे या उस पे जो रहती है वो वाली फंगस इस पे डेवलप हो जाती है। तो ये व्हाइट फ्लाई इसका रीजन है। और व्हाइट फ्लाई में उड़ने वाली व्हाइट फ्लाई जो है वो उसकी बजाय ये ऊपर जो एक आप यहाँ पे ये फोटो देख रहे हैं, इसके निम्फ, ये निम्फ है, ऐसे आप इसको गौर से देखें। मैं ये कहूँगा कि 20x का लेंस जो मैंने एक बार एक लिस्ट शेयर की थी अभी पीछे की, ये अपने पास में जो उपकरण होने चाहिए उसमें एक लेंस भी है, तो ये आप 20x का लेंस रखें थ्रिप्स माइट व्हाइट फ्लाई के निम्फ देखने के लिए। और इसका भी हमको तुरंत से इलाज करना है। खूब सारे अभी वो आ रहे हैं मेरे पास में, फोन कॉल भी, आपके व्हाट्सएप पे फोटो भी, कि साहब बहुत समस्या आ रही है। और यहाँ पे फिर मैंने सबसे टॉप क्लास के जो व्हाइट फ्लाई के लिए जो यूज होते हैं इंसेक्टिसाइड, उनकी लिस्ट शेयर की है, पहले भी मैंने की थी लेकिन इस पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे नंबर वन पे मैंने इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर जो बुप्रोफेजिन के नाम से आता है इसको रखा है, और इसका इस्तेमाल मेरे हिसाब से कोई बहुत कम कर रहे हैं, नीम ऑयल फिर भी कर रहे हैं। बुप्रोफेजिन एक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है, और ये क्या करता है, ये जो आपका निम्फ होता है, इस निम्फ से जब इसका अडल्ट या प्रोट जब बनता है तो ये अपनी एक तरह से कैंचुली बदलते हैं, इनकी इंस्टार होती है, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, तो वो जो बदलते हैं जैसे सांप कैंचुली बदलता है, तो ये काइटिन इनहिबिटर है। ये क्या करता है बुप्रोफेजिन, उसकी जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज जो जाने वाली होती है उसको ये रोक देता है, यानी आपके निम्फ के ऊपर ये प्रभावी है, अडल्ट के ऊपर ये प्रभावी बुप्रोफेजिन नहीं है। तो इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, इवन मार्केट में खूब सारे कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है, ये एसीफेट के साथ भी आ रहा है, और ये देखो करटाप हाइड्रोक्लोराइड के साथ में भी ये कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो आप इसके कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और या आप इसको अकेला भी काम में ले सकते हैं, प्लस नीमोल इसके साथ में मिक्स करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइफेंथ्रोन प्लस बाइफेंथ्रिन ये एक प्रोडक्ट आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करटा प्लस बुप्रोफेजिन मैंने कहा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। बुप्रोफेजिन यहाँ पे भी है देखो, प्लस फिप्रोनिल, ये मैंने पहले रखे हैं, कारण कि ये जो इसमें आपकी व्हाइट फ्लाई में इतना रेजिस्टेंस पैदा हो गया है कि नॉर्मल जो आप कर रहे हैं ना, ये पायरोक्सीफेनोल डाइफेंथ्योरोन सबसे अच्छे रिजल्ट 9 नंबर वाले के हैं, और हम उठा के सबसे पहले उसी को स्प्रे करते हैं, दोबारा फिर स्प्रे उसी का, तीसरी बार फिर उसी का, तो इससे जो आपका है रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, इसलिए आपको बदल बदल के यहाँ पे स्प्रे करने हैं। मैं आज पूरी लिस्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये पायरोक्सी जो फेन है 10 EC, ये भी बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, निम्फ के ऊपर भी ये कारगर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा 10 और हैं, 10 प्लस 10 20 प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्ट है, और इसी से अगर व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हुई तो फिर आप समझें कि किसी से कंट्रोल नहीं हो सकती। कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, यहाँ पे भी मैंने आपको ये देखो कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट इसमें ज़्यादा हैं, तो इन प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे। और सारे इसमें फ्लोनिकामिड है, मैंने सारे के सारे जो सबसे बेस्ट है 20, ऐसे तो मैं कहूँगा कि कम से कम 150 प्रोडक्ट होंगे व्हाइट फ्लाई के लिए,
लेकिन जो टॉप क्लास के हैं उनको मैंने यहाँ पे आपके सेलेक्ट करके डाला है। अच्छा, उसके बाद में आप खुद अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मार्केट में ये जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट देख रहे हैं ये कहाँ से आए? ये हमारी ही फील्ड से जो फीडबैक जाता है, किसान से, आप लोगों से जो फीडबैक जाता है, उसी फीडबैक के ऊपर जो है कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आजकल सभी बना रहे हैं कंपनीज। तो मैंने भी इसमें कुछ मेरी तरफ से आपको कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं। जैसे आप बुप्रोफेजिन थायमेथोक्जाम कर सकते हो, बुप्रोफेजिन एसिटामिप्रिट जो आता है 20 SP उसका आप कर सकते हैं, क्लोथेनिडिन मैंने इसमें डाला है आप इसका प्लस थायमेथोक्जाम का कर सकते हैं, क्लोथेनिडिन प्लस एसिटामिप्रिट कर सकते हैं, क्लोथेनिडिन प्लस डाइफेंथ्यूरोन का स्प्रे कर सकते हैं, डाइफेंथ्यूरोन प्लस थायमेथोक्जाम कर सकते हैं। तो हमको मैं कहूँगा कि हम किसान भाइयों को भी खुद के कॉम्बिनेशन जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सिंगल सिंगल में आ रहे हैं, ये 6-7 की मैंने लिस्ट दी है, इसमें से आप और भी छांट सकते हो, अलग कर सकते हो इसमें से जो सिंगल सिंगल है, उनके साथ में आप अपना खुद का एक कॉम्बिनेशन बना के आप खुद भी अपने उससे स्प्रे कर सकते हैं। तो हमको हर वो हथियार अपनाना है जिससे हम उस व्हाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। इनमें बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा बुप्रोफेजिन नीम के ऊपर अटैक करता है, एसिटामिप्रिट जो आपका है ये आपको एडल्ट को कंट्रोल करेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बड़ा अच्छा हो गया। ऐसी थायमेथोक्जाम एडल्ट पे कंट्रोल करेगा, बुप्रोफेजिन जो है वो नीम पे कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से आप खुद अपने जो हैं, मैंने यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल में बना के भी दिखाए हैं, 5-7 तो बन गए हैं ये नीचे, इनको आप इस्तेमाल करके देखें। इसके अलावा नीम ऑयल 1500 PPM जो है 2 से 3 ml आप हर दवाई के साथ में मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था वर्टिसिलियम और बेवेरिया बेसियाना, ये बायो पेस्टिसाइड है, वाइट फ्लाई पे बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिले हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आया हुआ है आपका। बस इनमें एक जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, तब ये अच्छे से काम करते हैं बायोपेस्टिसाइड। तो ये अगर हमारी रिक्वायरमेंट मीट आउट हो रही है तो आप बायो प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम, क्योंकि ये दोनों फंगस है, बायो फंगस है, तो हमको जब अगर ये इस्तेमाल करें उस समय पे कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना है, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में, ये हमको जरूर ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आज मेरे हिसाब से आपको व्हाइट फ्लाई की इतनी अच्छी 20 10 10 20 और ये आपके खुद के जो कॉम्बिनेशन है, ये ऐसी लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आप इसको ज़रूर इसको कॉपी में नोट कर लें और इसका इस्तेमाल करें और फीडबैक मेरे को ज़रूर देना। इस तरह के फोटो काफ़ी सारे आते हैं मेरे पास में, जनरली ये जो मार्च अप्रैल में लगाते हैं उस क्रॉप के अंदर इस तरह का ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी ये आपके सीड का भी वेरिएशन हो सकता है और कभी कभी एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक मतलब जिसमें कोई कीड़ा बीमारी फंगस बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं हो, यानी मौसम है, मिट्टी है, पानी है, आपकी धूप है, वेंटिलेशन है, वो सब एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, तो उनके कारण है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इसमें ये देखो ये छेद हो गए, इसका मतलब इसमें कैटरपिलर आ गया। बहुत सारे कहते हैं जी ये पत्ता इकट्ठा हो रहा है, इसमें थ्रिप्स आ गया। बहुत सारे कहते हैं जी इसमें माइट आ गई। बिल्कुल भी माइट या थ्रिप्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इसमें देखेंगे आपको एक टिपिकल, जिसे आप देख रहे हैं ना, इसमें एक टिपिकल तरीके से आपको ये जो पत्ता है ये सिकड़ा हुआ, या इसमें जो स्कोर्चिंग से ऐसे बीच बीच में यहाँ पे आप देखो ये पूरा इतना पत्ता ही गायब हो गया। तो कभी कभी ये जो सीड है उसका भी ये वेरिएशन आता है, सीड वेरिएशन के कारण भी ये हो सकता है, तो आप अपना सीड चेक कर सकते हैं। प्लस कभी कभी एबायोटिक फैक्टर से भी ऐसा हो जाता है, अचानक से बड़ा अच्छा मौसम था, गर्मी हो गई, गर्मी थी अचानक से ठंड हो गई, उस वजह से भी कभी कभी ऐसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सीड के किसका मेन रीजन हो सकता है। स्प्रे का इफेक्ट, ऐसे भी फोटो आते हैं और कहते हैं साहब ये क्या हो गया, तो इसमें आप जो आप इस वीडियो को बैक करके देखना, स्प्रे वाले और जो फंगस के कारण जो इफेक्ट आता है वो आपको अलग अलग से दिख जाएंगे।
स्प्रे का जो आता है इसमें आपको वाटर सोक्ड लेशन जैसे पानी जैसा जो होता है ना धब्बा, ऐसा दिखाई नहीं देगा, सूखा हुआ धब्बा होगा। तो ये आप इसको जब भी स्प्रे करें बड़े ध्यान से करें। होता क्या है, मैंने देखा है फील्ड में भी और जब फोटो आते हैं उनमें भी, जब आप लाइन के ऊपर से घूमते हैं ना यूं करके, यूं जब लेबर टर्न लेती है तो वहां वाले में ज्यादा आता है किनारों पे, क्योंकि वहां वो लेबर उसको नोजल को बंद नहीं करती स्प्रे को, वो तो चलता रहता है और वो फिर आपके जो किनारे वाले जो हैं उनपे दवाई ज्यादा हो जाती है। तो ये आप ध्यान में रखें, इस तरह के सिम्टम हैं वो उनसे बचें। एक पेगासस जो आता है डाइफेंथुरोन आई थिंक उसके अंदर होता है, यस, तो वो जो है हाई डोज पे उसका इस तरह का इफेक्ट आ जाता है कभी कभी स्कोर्चिंग, तो ये भी रिकमेंडेशन में नहीं है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर इन एन इमरजेंसी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मैं कहूँगा वाइट फ्लाई के लिए, अदर देन खीरा, उसके अलावा आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे अगर आपने शिमला मिर्च टमाटर लगाते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको खीरे में नहीं करना है। और इन एन इमरजेंसी अगर करना भी हो तो आपको जो पीछे एक लिस्ट दिखाई थी उसमें 20+ फेनपाइरोक्सीफेन प्लस ये जो है हमारा 25+5 में जो कॉम्बिनेशन में आता है लिक्विड में, वो वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फल सूखना सबसे बड़ी समस्या आ रही है और सबका जो है यहाँ पे ध्यान आपका जाएगा। ये एक ऐसी समस्या है जिसको अभी मेरे को लग रहा है ऑलरेडी ये वीडियो काफी बड़ा बन गया है, तो इसका अभी जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा इसके 4 दिन बाद में, उसके अंदर मैं आपको इसका एक तो फर्टिगेशन एक्सप्लेन करूंगा प्लस ये जो फल सूख रहे हैं इसको मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप ये जो इतना आपको ज्ञान दिया है इसको आप अच्छे से देखें, नोट करें, और थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि वीडियो शेयर बहुत कम हो रहे हैं, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगला जो वीडियो है वो मेरा इसी के ऊपर पूरा है, और फर्टिगेशन, फर्टिगेशन क्या है, कैसे फर्टिगेशन करना है, उसके ऊपर पूरा मैं वीडियो आपको अभी बना के शेयर करूंगा। 3-4 दिन लगेंगे, ऑलमोस्ट वो चल रहा है मेरा उसका प्रोसेस में, तो तब तक आप ये जो बाकी आपको आज दिखाई है उसको आप ज्ञान को अपने अंदर समेट लें। आपके जो भी सुझाव हैं मोस्ट वेलकम आपका। अभी तो मेरा इंस्टाग्राम भी चालू हो गया है, आप उस पर भी मेरे को फोटो शेयर कर सकते हैं, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और आपका अपना ये तकनीकी चैनल है इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा शेयर करें। हर जो आपके ग्रुप में जिसमें आप सम्मिलित हैं हर ग्रुप में ये तकनीकी अपनी जो जानकारी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।